गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरू कर दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि हाउ वी चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में है तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं चेंजेस इन टेंसेस। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और अगर इंटेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज। ये आपको पता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें चेंज हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में, यानी डिड अगर नेगेटिव बनाना है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर एफर्मेटिव बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही flies a kite। तो सबसे पहले तो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब? ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जहां पे कहने की क्रिया हो रही है, एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेड, और सेड हमेशा पास्ट में यूज आता है, तो इस वाले सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नरेशन, रूल्स ऑफ द नरेशन। तो ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, जब भी हम इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो अब आप ये सिग्निफाई कैसे करेंगे कि जो सेंटेंस है किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है या किसमें है? तो आगे आके आप देखेंगे कि यहाँ पर एस या ईएस लगा हुआ होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या देखेंगे आप? टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें रूल्स लगे हुए होंगे। तो ये किसमें दिया हुआ है? दिस सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में। हाउ? अब हम देखेंगे कैसे चेंज होगा। The boy said, said ही रहेगा, जब भी said to होगा तब ये told में change होगा। अगर यहां पे to होता तो ये to change होता, और उसके आगे किसी से कहा वो pronouns में आएंगे। अभी हम simple सा tenses के according कर रहे हैं। The boy said, मैंने आपको कल बताया था कि एक conjunction use में लेते हैं, that is that। अब he third person है तो third person हमेशा same रहेगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो कौन सी यूज में आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही फ्लू अ काइट, और क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमास सारे हट जाएंगे। कैसे किया मैंने? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, द बॉय सेड। सो किसमें है? पास्ट टेंस में है। और आगे आप देखेंगे तो हाउ टू आइडेंटिफाई, आप रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं कि विच टू विच टेंस सेंटेंस बिलोंग्स टू। तो इट बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है इन, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो सेड की जगह सेड, एंड कंजम्पशन दैट का यूज हमेशा लेंगे। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। ये मैं आपको प्रोनाउन से रिलेटेड आएंगे तब बताऊंगी। ही फ्लाइज दिया हुआ है तो किसमें चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। तो कौन सी फॉर्म यूज में ली? सेकंड फॉर्म, अ काइट। एक और करते हैं डायरेक्ट का एग्जांपल। शी सेड आई, सॉरी, शी डज नॉट राइट नीटली। शी डज नॉट राइट नीटली। शी सेड शी डज नॉट राइट नीटली, अगेन पास्ट का है। और आगे आप देख लीजिए, डू डज किसमें लगे हुए होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे? शी सेड दैट, यहां तक सबको क्लियर है? शी सेड दैट। अब शी थर्ड पर्सन है, वापिस आ जाएगा। डू या डज चेंज हो जाएगा डिड में। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट नीटली। शी डिड नॉट राइट नीटली, वो नीटली, शी डिड नॉट राइट नीटली। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये सारे चेंजेस हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे. सबसे पहले प्रोनाउंस रिलेटेड भी होते हैं, वी विल चेंज इन दैट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. किसमें हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? यू ऑल नो द आइडेंटिटी इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है. तो इज एम आर विल चेंज इनटू वाज और वर. इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा? वाज और वर में. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी विल रिमेन सेम. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी, इट विल रिमेन सेम. मतलब इज एम आर होगा तो इट विल चेंज इनटू वाज वर, एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी विल बी चेंज इनटू वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट का सेंटेंस है आई सेड. आई एम गोइंग टू मार्केट. ये जितने भी चेंजेस होंगे ये जब भी पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तभी होंगे. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मैं फिर अगेन बता रही हूं, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है तो द रिमेनिंग सेंटेंस विल नॉट चेंज. सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई सेड, वी हैव टू ज्वाइन इट विथ दैट. दैट के जस्ट बाद आई है, आई के साथ आई है फर्स्ट पर्सन, यही आ जाएगा सेम. आई एम, एम विल चेंज इन टू वॉज. आई वॉज एंड आई एन जी फॉर्म विल रिमेन सेम. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. सिंपल सा आपको क्या करना है? यू हैव टू चेंज इज एम आर इन टू वॉज वर. इज एम आर को आपको वॉज वर में चेंज करना है, एंड वॉज फर्स्ट फॉर्म आई एन जी विल रिमेन सेम. नाउ वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल. दे सेड, दे आर नॉट going, they said that they are not going. वो कहते हैं कि वे नहीं जा रहे. तो जब भी हम इसको change करेंगे direct से indirect में, they said that they are की जगह क्या हो जाएगा? were. they were not, और verb की first form में ing कैसा रहेगा? सेम रहेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी विल रिमेन सेम. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ इसके बाद बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. किसकी आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ये आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हैज, हैव और उसके साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. किसमें चेंज होता है? इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. दैट मीन्स had plus verbs third form. मतलब has, have है तो has, have की जगह क्या आ जाएगा? had आ जाएगा, और verb की third form will remain same. जो past participle form है या verb third form है वो remain same रहेगी. For example, direct का the girls said she has danced well. The girl said she has danced well. क्या लगा हुआ है? Past tense में है, said से पता चल गया, and has है तो किसका sentence है? Past perfect tense का. So अब जब भी हम इसे direct से indirect में change करेंगे तो क्या करेंगे? The girl said, the
द गर्ल सेड, किससे ज्वाइन करेंगे, दैट थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम, शी हैज विल टर्न इन टू हैड. वर्ब की थर्ड फॉर्म डांस में कौन सी लगी हुई, ई डांस्ड, डांस डांस डांस. वेल अंडरस्टूड. हमने क्या किया है जनरल सा, सिर्फ हमने जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो उसे तो हैज को हैड में चेंज कर दिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, रिमेन सेम. वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है. नाउ दिस इज ऑल फॉर टूडे. वॉट यू हैव टू डू, आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेज रिलेटेड टू दीज टेंस, यू हैव टू राइट देम इन योर ग्रामर कॉपी. दिस इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू.